आज भैया फलों को लेकर के माली राजा जेवर सिंह के दरबार की तरफ जा रहा है। सर पर टोकरी रखी हुई है, पूछने लगा भैया माली विचार करने लगा, अगर हमें राजा रास्ता में मिल जाए तो फलों की टोकरी दे दे और अपना इनाम ले ले, इनाम के लिए बेचैन है। लेकिन हुआ क्या, आज फलों को लेकर के माली राजा जेवर सिंह के दरबार में पहुंचा, जहां राजा जेवर सिंह सात हाथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। फलों को माली ने सामने रख दिया, राजा जेवर सिंह के लिए हाथ जोड़ करके शीश नवाया, दंडवत प्रणाम किया। राजा जेवर सिंह कहने लगे, माली से डाले में क्या लाए हो? मालिक कहने लगा, महाराज तुमने अपने हाथों से जो बगीचा लगाया था, मैं उस बगीचा के फल फूल लाया हूँ, और ये 10 रुपए की भेंट हमारी मैया जी की तरफ से फिर से आई है। बाबा सदा लंबी आयु करे। क्या कह रहे? कहने लगे, भैया हमारे बगीचा के फलों को हमें दिखाओ, कैसे फल हैं? माली ने डाले को खोल दिया, केला के पत्ताओं को ऊपर से हटाया। जैसे ही राजा की नजरों के सामने फल बढ़ाए और राजा ने जैसे ही नजर भर के फल देखे, सुंदर फल फूल को मिलाए गए। क्यों? उस हिरणी के श्राप से नजरों पर शनि की दृष्टि आके बैठ गई, नजर भर के देखने से ही फल मुरझा गए। इधर राजा जेवर सिंह कहने लगे, माली ये बासे फल कहां से उठा के लाए हो? माली ने देखा, ये फल मुरझाए गए, समझ गया ये राजा के देखने से फल मुरझाए। लेकिन हम कैसे कहेंगे तुम्हारे देखने से फल मुरझा गए? दुनिया जानती है, छोटा आदमी कभी बड़े आदमी से हकीकत नहीं कह सकता। बात को बदल दिया माली ने, संगमरमर की बनी कचहरी, पानों से बंगला छायो, अरे लगी चमक मेवा को मिलानी, मैं सद फूल बाग से लाई। बात को बदल दिया। क्यों? माली जानता था, अगर हमने बात कही सांची तो राजा लगवाए देगो फांसी। बात को बदल दिया। लेकिन राजा जेवर सिंह सब जानते थे, वो दुनिया का न्याय करने वाले थे, समझ गए इसमें हमारे माली का कोई दोष नहीं है। इस माली ने आज मेरा भरे दरबार में मान रखा है, दोष हमारे कर्मों का है।
उसी समय राजा ने माली के लिए 5 गांव सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ने के लिए सुंदर घोड़ा दे दिया। माली ये ले जाओ। अरे हमारी किस्मत में राज करना नहीं लिखा विधाता ने, तो तुम राज करो। झोंपड़ी का रहने वाला जरा सी देर में उस राजा ने 5 गांव का मालिक बना दिया। लेकिन फिर भी उसके दिल में तसल्ली नहीं हुई। क्यों? ये धन है, जैसे इंसानों का पेट ना भरे। विचार करने लगा माली, जब राजा ने हमें इतना इनाम दिया है। अरे राजा में तो हुक्म तुम्हारो पाऊ रे, डालो महल न पहुंचाऊ। करवाऊ रे भैया को दर्शन करवाऊ। राजा में तो प्यारी तेल बजाऊ रे, ₹10 हमारे हकीम जी बाबा के दरबार में फिर से अपनी नेक कमाई से ₹10 की भेंट करते हैं। बाबा सदा लंबी आयु करें, ऐसे भक्तों का बाबा भंडार भरते रहें। जिस खजाने से पैसा आया है बाबा सदा उसे हरा भरा रखें।